Hello everyone a very warm welcome to you all in this video we are going to discuss about the retirement of directors by rotation which is also a part of appointment of directors by shareholders now the appointment of directors by shareholders in the previous video we have discussed the appointment of first directors you can check the link of the same in the description box अब वो कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं इन जनरल मीटिंग फर्स्ट इज रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर फ्रेश कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट वो पर्सन होते हैं डायरेक्टर जिनको स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एंड लास्ट इज प्रपोशनल रिप्रेजेंटेटिव्स नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दरिंग डायरेक्टर एज पर सेक्शन वन फिफ्टी टू सो एज़ पर दिस सेक्शन वन फिफ्टी टू सब सेक्शन सिक्स सिर्फ ये पब्लिक कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होता है इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पब्लिक दैट मीनस की प्राइवेट कंपनीज में रिटायरमेंट बाई रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होता है तो इट स्टेट्स दैट इट इज प्रोवाइडेड बाई दर्टिकल अगर आर्टिकल्स में कुछ अदरवाइज प्रोवाइड है तो वो फॉलो किया जाएगा और अगर कुछ भी नहीं है रिगार्डिंग दी रिटायरमेंट तो पब्लिक कंपनीज में जितने भी टोटल डायरेक्टर्स होते हैं उसके टू थर्ड डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाई रोटेशन तो टू थर्ड डायरेक्टर्स लाइबल हो जाएंगे रोटेशन के लिए एंड आउट ऑफ दोस्त जितने भी डायरेक्टर्स है उनके टू थर्ड एट एवरी जनरल मीटिंग में रोटेट करेंगे एंड आउट ऑफ दोड वन थर्ड लाइबल हो जाएंगे रिटायर के लिए मीन्स वो डायरेक्टर रिटायर कर जाएंगे नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैलकुलेशन ऑफ टू थर्ड अगर जितने भी डायरेक्टर्स हैं पब्लिक कंपनीज में उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं तो उन सभी वो जो टू थर्ड की कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर्स को हम नहीं देखते हैं तो वो डायरेक्टर्स एक्सक्लूड एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल देर आर फिफ्टीन डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी अब किसी कंपनी में फिफ्टीन डायरेक्टर्स हैं आउट ऑफ दीज फिंग डायरेक्टर्स अगर फोर इंडिपेंडेंट हैं सेवन एग्जीक्यूटिव हैं एंड फोर आर नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट तो फिफ्टीन डायरेक्टर्स में से हम फोर कर देंगे माइनस क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो रोटेशन से रिटायर नहीं होते हैं तो इसीलिए हमने 15 में से माइनस कर दिया फोर डायरेक्टर्स रहते हैं डायरेक्टर्स तो कितने डायरेक्टर्स अब रोटेशन से रोटेट रिटायर करने के लिए लाइबल हो जाते हैं वो होते हैं टू थर्ड ऑफ द रिमेनिंग डायरेक्टर्स तो इलेवन डायरेक्टर्स हमारे रिमेनिंग है तो इलेवन का टू थर्ड करते हैं तो आंसर आता है सेवन पॉइंट थ्री 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 तो टू थर्ड वाली कैलकुलेशन के लिए जो नंबर आएगा उसको हम राउंड ऑफ करते हैं टू दी नेक्स्ट नंबर तो का तो का नेक्स्ट नंबर आउट ऑफ डायरेक्टर्स जो एट डायरेक्टर्स हैं मींस फिफ्टीन टोटल थे जो रिटायरमेंट के लिए हम लेंगे वो लेंगे इलेवन इलेवन का हम टू थर्ड करते हैं तो एट डायरेक्टर्स रिटायरिंग बाय रोटेशन के लिए लाइबल होते हैं ये जो डायरेक्टर्स एट हैं ये तो रोटेट करेंगे लेकिन आउट ऑफ दिस एट कौन से ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो रिटायर करेंगे तो आउट ऑफ दिस एट डायरेक्टर्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं वन थर्ड तो एट डायरेक्टर्स का वन थर्ड करते हैं तो आंसर आता है टू पॉइंट सिक्स डेट मीन एट मल्टीप्लाई बाय डिड बाई थ्री एट डायरेक्टर्स का हम वन थर्ड करेंगे तो आंसर इज टू पॉइंट सिक्स 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 तो so, 2.666 को हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट नंबर दिस इज स्पेसिफाइड इन द एक्ट तो थ्री डायरेक्टर्स शैल रिटायर एट एवरी एजीएम। तो आउट ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स में से हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनस किया जितने भी रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं उनको हमने टू थर्ड किया ये निकालने के लिए कि कितने डायरेक्टर्स है रोटेशन के लिए जितना भी आंसर आता है, उनका फिर हम वन थर्ड करते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि आप कितने डायरेक्टर्स रिटायर करेंगे तो इस तरह से हमारे इस कंपनी में थ्री डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम शेल रिटायर नाउ विच थ्री डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर एट फर्स्टली अब हमको ये पता लग गया कि इस कंपनी में थ्री थ्री डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम रिटायर हो रहे हैं अब वो थ्री डायरेक्टर्स उन इलेवन डायरेक्टर्स में से कौन होंगे सो वन थर्ड डायरेक्टर्स विच आर लाइबल टू रिटायर एट एजीएम बाई फीफो मेथड उट first first तो जिस डायरेक्टर को उन इलेवन डायरेक्टर्स में से जो भी डायरेक्टर सबसे पहले अपॉइंट हुआ होगा मीन्स जिसका टाइम पीरियड ऑफिस में सबसे ज्यादा रहा होगा या जो लॉन्गेस्ट पीरियड से अपॉइंट जिसका हो रखा है वो सबसे पहले रिटायर किया जाएगा अब और अगर सपोज कोई दो डायरेक्टर्स या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स सेम डे पे अपॉइंटेड हैं मींस कोई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो सेम डे में अपॉइंटमेंट कर रखा है तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कि जो लॉन्गेस्ट है वही रिटायर करेगा तो उनका रिटायरमेंट किया जाएगा बाय दी ड्रॉ ऑफ लॉट तो जैसा बोर्ड डिसाइड करेगा उसके हिसाब से उनका रिटायरमेंट किया जाएगा अब जो डायरेक्टर्स रिटायर कर रहे हैं वो दोबारा से उस कंपनी में रीअपॉइंट हो सकते हैं उसी एजीएम में बाई कास्टिंग वोट इन फेवर इन एक्सेस ऑफ दोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन तो उस डायरेक्टर के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाएगा अगर वो रेजोल्यूशन फेवर में है तो उनका उनका अपॉइंटमेंट दोबारा से हो सकता है उसी कंपनी में नाउ अगर ये डायरेक्टर दोबारा से अपॉइंट हो जाता है तो इनका अ पीरियड ऑफ ऑफिस मीन्स नेक्स्ट एजीएम के लिए जब रिटायरमेंट के लिए पीरियड निकाला जाएगा तो इनका जो नंबर होगा जो ड्यूरेशन होगा ऑफिस का वो सबसे लास्ट में होगा क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट अब इसी एजीएम में है तो जो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाला डायरेक्टर था उससे भी ज्यादा शॉर्टेस्ट इसका माना जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली दिस साइकिल विल कंटिन्यू तो जो डायरेक्टर इस एजीएम में अपॉइंट हुआ है उनका पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट होगा और नेक्स्ट एजीएम में जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स थे आउट ऑफ दो डायरेक्टर्स ही कोई रिटायर करेगा क्योंकि इनका टर्म पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट होगा Thank you so much. I hope it is clear. If you have any doubt regarding this, please do write in the comment section and stay connected for further videos.